वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी यार, सॉरी गाइस, मैं वॉइस ओवर डाल दूँ एक बार ही, ठीक है। तो एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। देखो मान लेते हैं डिस्काउंट रेट अपना 10% है, ठीक है। डिस्काउंट रेट 10%, तो एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ENCF जो भी आया हमारा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ठीक है, इसको इनटू करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, और फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे, कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। हाँ वो मैंने बताया नहीं आपको ना। चलो मान लेते दोनों में 5000 ही देने हैं, ठीक है, 5000 ही है। C0 अपन कंसीडर कर लेते हैं 5000। तो यहाँ पर निकालेंगे, जब ये हम इसके लिए निकालेंगे एक्स के लिए, ठीक है, एनपीवी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कितनी है, ENCF 6000 इंटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% का, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 0.909, ठीक है, और यहाँ पर माइनस करेंगे इसमें से 5000, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा गाइस 454, ठीक। ऐसे ही निकालेंगे एनपीवी ऑफ वाई, ठीक है। तो उसका ENCF कितना है, 8000, 0.909 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, माइनस करेंगे 5000, तो ये आ रहा है 2272 रुपये, ठीक है। अब आप दोनों में अगर कंपैरिजन करके देखोगे तो इसकी एनपीवी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये क्या निकल के आई है गाइस, ये हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी है, ठीक है, ENPV बोलेंगे इसे। तो जो ये एक्सपेक्टेड एनपीवी आई है, ठीक है, तो वाई हैज मोर एनपीवी, सो वाई इज प्रेफरेबल, तो इसका मतलब वाई को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। ओके समझ गए आप कैसे करना है प्रोबेबिलिटी का यूज, ठीक है। ये तो मतलब एक ही ईयर के लिए था, एक ही ईयर के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। अगर मल्टी ईयर का दे रखा हुआ तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जैसे एक एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो हमारे पास एक प्रपोजल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, और उस प्रपोजल की जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट की बात करें 10000 है, ठीक है। लाइफ प्रपोजल की लाइफ 3 ईयर्स, डिस्काउंट रेट 15% दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि ENPV कैलकुलेट करो, ठीक है, सिंपल सा है। अब उसके कैश फ्लो जो है दे रखे हैं नीचे, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, ठीक। तो ये आपका ईयर 0 और इधर आपको दे रखा है इकोनॉमिक कंडीशंस जिनकी वजह से वैरी कर रहा है कैश फ्लो, ठीक है। इधर दे रखा है नेट कैश फ्लो और इधर दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो 0 ईयर के लिए तीन तरह के सिनारियो दे रखे हैं, ठीक है। हाई ग्रोथ, अगर ग्रोथ हाई रही तो क्या रहेगा नेट नेट कैश फ्लो, एवरेज ग्रोथ देन लो ग्रोथ, और ऐसे तीन केसेस दे रखे हैं 3 साल के लिए, ठीक है। तो जीरो जीरो पे तो अपन आउटफ्लो करेंगे, ठीक है, ये 1 का है, भाई 1 और 2, ठीक है। तो सेकंड में भी ऐसे ही हाई देन एवरेज देन लो, फिर थर्ड ईयर के लिए भी हाई एवरेज लो, देखो कैश फ्लो हमको दे रखा है। फर्स्ट ईयर तो हमें क्या करना है, आउटफ्लो, ठीक है, ये हमारा हाई, थोड़ा नीचे का लिख देता हूँ, हाई ग्रोथ, ये 0 ये 1, ठीक है। तो इधर कैश आउटफ्लो हो रहा है हमारा 10000 रुपये, ठीक है, 10000 का है। फिर हाई ग्रोथ रही तो 5000 मिलेंगे, एवरेज रही तो 3000 फर्स्ट ईयर, ठीक है, और लो रही तो 1000 मिलेंगे, ठीक है। देखो फिर उसके बाद 6000, 4 एंड 2,
छः चार दो, देन आठ छ और वन, फिर इसकी 0.2, 0.7, 0.1, देन 0.3, 0.5, 0.2, 0.4, 0.3 एंड 0.3, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि ऐसा करो, निकाल दो, ठीक है, क्या निकालो, ए एन पी भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, एक बारी यहीं से सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये तीन हो गए, एक कंडीशन ए फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ओके, फिर देन ये हो गया अपना सेकंड ईयर और ये हो गया थर्ड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ई एन सी एफ, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों का सम लेंगे, ठीक है, और इधर टोटल लिख देते हैं। देखो इन दोनों का सम हो जाएगा 5 × 1 = 1000, ठीक है, इन दोनों का 3 × 7 = 2100 और इसका हो जाएगा 1 × 1 = 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3200, 3200, इधर का तो आ गया भैया टोटल 3200 फर्स्ट ईयर का, ठीक है। देन 6 × 3 = 18, 4 × 5 = 20, 2000, 2 × 2 = 4, 4000, तो ये कितना हो गया, 4 × 2 = 6, 7, 7800, ठीक है, सॉरी ये 2 × 2 = 400 होगा ना, एक मिनट 400, ठीक है, तो 2, 3, 4, तो ये कितना हो गया 4200, 8 × 32 = 6, 3 = 18, 5000 × 3 = 9, तो 5900, ठीक, इधर का आ गया 5900। अब निकाल देंगे अपन ई एन पी वी, ठीक है, एक्सपेक्टेड नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले 3200 है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, वन प्लस के, तो डिस्काउंट रेट कितना बताया था गाइज, डिस्काउंट रेट देखो, डिस्काउंट रेट 15% बोला है, ठीक है, तो वन प्लस के यानी कि 1.15 प्लस में सेकंड ईयर का कितना है 4200 डिवाइड करेंगे 1.15 raised to power 2, फिर 5900 डिवाइड बाय 1.15 क्यूब कर देंगे थर्ड ईयर के लिए, माइनस में 10,000 इनिशियल, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस। आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी ले सकते हैं, है ना, तो वो लेते तो कैसे करते, 3200 × 0.87 प्लस में 4200 × 0.756 प्लस 5900 × 0.658 और इन सब में से माइनस करना है 10,000 को, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एन पी वी आ रही गाइस -159। अगर आपसे पूछते बताओ वेदर यू विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, तो हम क्या कह देते, हम कहते भैया हम तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रपोजल इज रिजेक्टेड, मेरे को लगा सुंदर लगे तो दिख ही नहीं दिख रहा था भैया, कोई और कलर चूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये दिखता है क्या, बाकी ये वाला अच्छा लगेगा गुलाबी, ठीक है, तो समझ गए आप, ये पहली टेक्निक हो गई हमारी खत्म स्टैटिस्टिकल में, ठीक है, अब आते हैं दूसरी पे, मतलब इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल का ही, ठीक है, तो एक मिनट इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसी का सब पार्ट पढ़ लेते हैं एक बारी, तो वो क्या है अपना, वो है वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन एनालिसिस, ठीक है, इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, वेरियांस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आया हुआ है पहले के ईयर्स में आया हुआ है, ठीक है बारी, तो देखो वेरियंस या इसकी बात करें किसी भी चीज़ के क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर है किसके, रिस्क के, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आपको ये पता है बेसिक है कि वेरियांस जो होता है, ठीक है, वेरियांस का जो रूट होता है वो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। वेरियांस कैसे निकालते हैं,
तो वेरियांस ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, या फिर वेरियांस ऑफ नेट कैश फ्लो, वो कैसे निकालेंगे, जितना अपना नेट कैश फ्लो था मतलब वैसे नॉर्मल, उसमें से माइनस क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ठीक है, जो हमने निकाला, ओके, और इसको इंटू किससे कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से, ओके। अब ऐसे करके हम सेकंड ईयर का भी लेंगे, नेट कैश फ्लो ऑफ सेकंड ईयर माइनस में ENCF, इसका करेंगे स्क्वायर, देन इंटू कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ, ओके, प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देंगे, देन ऐसे ही लेंगे अपन आगे कितने भी ईयर्स हों, एन ईयर, ठीक है, माइनस में ENCF, और यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईयर, ठीक है, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ईयर, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ईयर, समझ गए, तो ऐसे करते जाएंगे, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखो NCF jth ईयर माइनस में ENCF और फिर इसका स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, ठीक है, ये हो गया हमारा, वही ऊपर वाला फॉर्मूला समेशन कर दिया, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर दिया, ओके। अब यहीं पे इसी का अगर हम क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, तो वहाँ पर क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा फिर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर ऑफ NCF, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक, मान लो एग्जांपल करते हैं, दो प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई, ठीक है, यहाँ पर ये पॉसिबल इवेंट दे रखे हैं, पॉसिबल इवेंट्स, ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, पॉसिबल इवेंट्स, फिर इधर दे रखा है कैश फ्लो, देन उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ऐसी इधर दे रखा है कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाले एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, सबसे पहले वाला ए बी सी डी ई, और कैश फ्लो हमारा कितना कितना था, 4000, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 0.1 प्रोबेबिलिटी थी, 0.2, 0.4, 0.2 एंड 0.1, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ENCF, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ठीक है, तो कैलकुलेट करा था कितना कितना, इसको इससे इंटू करेंगे 400, इसको इससे इंटू करेंगे 1000, इसको इससे इंटू करेंगे 2400, इसको इससे इंटू करेंगे 1400 और 800, ठीक, ऐसे इधर इधर कितना था, 12000, देन 10000, 8000, 6000, 4000, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थी 0.1, 0.15, 0.15, सॉरी 0.5 थी ना, 0.5, ठीक, देन था 0.15 एंड 0.1, ENCF इधर 1200, 1500, 4000, 900 एंड 400, ठीक है, यही था। अब हमें मान लो इसमें वेरियंस निकालना है इसका, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले प्रोजेक्ट एक्स का निकालते हैं, तो प्रोजेक्ट एक्स का वेरियंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे गाइस, तो देखो सबसे पहले माइनस करेंगे किस में से किसको, तो ये जो दिख रहा है इसका समीशन कितना था, तो इसका समीशन था अपना 6000, ठीक है, और इसका समीशन 8000, तो हम क्या करेंगे, हर हर इसमें से कैश फ्लो में से इसको माइनस करते चलेंगे, ठीक है, तो ये करना है, और फिर उसका स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी, 4000 माइनस में 6000 इनटू में इसका स्क्वायर और इनटू में इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, ठीक है, तो ऐसे ही करना है, तो अगला क्या होगा, 5000 माइनस में 6000 स्क्वायर इनटू में 0.2 प्लस में
छोटा छोटा करके बहुत छोटा कर दिया, लिख तो बढ़ा देता हूँ बार बार। और फिर क्या है, 6000 माइनस में 6000, ठीक है, स्क्वायर, देन प्रोबेबिलिटी कितनी है अपनी 0.4, ठीक, 0.4 प्लस में 7000 माइनस में 6000 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 प्लस 8000 माइनस में 6000 स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी 0.1, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है गाइस 12 लाख, ठीक है, 12 लाख आ रहा है। ये क्या निकल गया, वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसका रूट ले लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 12 लाख, और ये आ जाएगा आपका 1095.45, ठीक है। ऐसे निकालेंगे किसका, प्रोजेक्ट वाई का, प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई का भी निकालेंगे, ठीक है, कितना कितना है, तो 12000, ठीक है। हर बार क्या करेंगे, इसमें से ये जो कैश फ्लो है इसमें से अपन इसको घटाएंगे, ENCF को, ठीक है, 12 10 8 6 4, ठीक है, 12 10 8 6 4, तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 जाएगा, तो 4000 का स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0.1, फिर 10 है तो 10000 में से 8000 जाएगा 2000, 2000 का स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी 0.15 है, ठीक है, फिर कितना था 8, तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 8 में से 8 गया तो 0, 0 का स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, ठीक है, देन प्लस का निशान, 6000 में से 8000 जाएगा तो माइनस का 2000, और इसका स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी 0.15 अगेन, प्लस में 4000 था, 4000 यानी कि माइनस का 4000, और माइनस का 4000 का स्क्वायर इनटू में 0.1, ठीक है। इस सब को सॉल्व करने पर आ रहा है गाइस 44 लाख, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, 44 लाख का रूट लेंगे तो आ गया 2097.62। उसका कितना है, उसका उतना है, ठीक है। इसका मतलब जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा रिस्की है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ बाय कंपेयरिंग, ठीक है, नाउ बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, वी कैन से, क्या बता सकते हैं हम दोनों प्रोजेक्ट के बारे में, वी कैन से प्रोजेक्ट वाई का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मोर रिस्की है, मोर रिस्की है देन एक्स, ठीक है, तो इधर यही लिख देंगे, प्रोजेक्ट वाई इज मोर रिस्कियर, ओके, समझ गए गाइस। तो ये था आपका वेरियंस वाला मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक जो कि है सिमुलेशन, ठीक है, सिमुलेशन एनालिसिस। तो एक्सटेंशन है किसका, एक्सटेंशन ऑफ सिनारियो एनालिसिस। जो अपने सिनारियो एनालिसिस देखा था ना अभी, बताया मैंने आपको इसी वीडियो में, तो उसी सिनारियो एनालिसिस का क्या ये एक्सटेंशन है, ठीक है। सिनारियो एनालिसिस में क्या था, देखो सिनारियो एनालिसिस क्या था, तो सिनारियो एनालिसिस वाज द पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक मिनट, सिनारियो एनालिसिस किसका पार्ट था, सेंसिटिविटी एनालिसिस का। तो देयर आर सम वीकनेसेस इन सिनारियो एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो यानी कि इट रिमूव्स, ये क्या करता है, उन वीकनेस को रिमूव कर देता है, ठीक है, इट रिमूव्स या ओवरकम भी कह सकते हैं, इट रिमूव्स द वीकनेसेस, वीकनेसेस ऑफ सेंसिटिविटी एंड सिनारियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एंड सिनारियो एनालिसिस, ठीक। तो
तो इनकी वीकनेस को क्या करता है, अलग करता है, रिमूव कर देता है। तो उनके अंदर मैंने वीकनेस आपको बताई थी, वो कंसीडर नहीं करते किस चीज़ को, डिपेंडेबिलिटी को, ठीक है, यानी इंट्रैक्शंस को, जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं था उसके अंदर। और साथ ही में उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी भी काम पे प्रोबेबिलिटी भी यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सब कुछ मिला जुला के तब करते हैं। इसके अंदर हम ये भी कंसिडर करते हैं कि इंट्रैक्शन होता है सभी वेरिएबल्स के बीच में, यानी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, रादर दे इंटरैक्ट, ठीक है, दे इंटरैक्ट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। इसके अंदर ये देखना था हमें, देखो इसको और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, थोड़ा ना गाइस देख लेना एक बार, तबीयत ठीक नहीं है ज़रा, इसलिए रुक रुक के बोलना पड़ रहा है थोड़ा। देखो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मोंटे कार्लो सिमुलेशन, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इसी मेथड को मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें पूछा आ सकता है किसमें, असेसमेंट जो होने वाले अपने, ठीक है, उसमें पूछा आ सकता है। तो पहली बात तो ये जो है ना, इसको नॉर्मल सिमुलेशन कह लो या मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ये ऑन सिस्टम होती है, ठीक है, इसको हम मैनुअली नहीं कर सकते, ठीक है, मैनुअली पॉसिबल नहीं है, मैनुअली करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक। तो इसीलिए किस पे होती है, बेसिकली सिस्टम पे होती है, यानी कि एक्सेल वगैरह पे होती है, ठीक है। तो इसीलिए ना इसको कैलकुलेट करने तो देगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है तो प्रोसेस पूछ सकता है, ठीक है, कि कैसे करते हैं इसको, है ना। तो मैं वही बता देता हूँ आपको, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, स्टेप्स, तो स्टेप्स नंबर एक, स्टेप कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर वन, अरे इधर लिख रहा हूँ, उधर जा रहा है, हाँ। तो नंबर वन, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स को, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस कैश इन्फ्लोज एंड आउटफ्लोज, मतलब सबसे पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो जिनकी वजह से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। इस फिर नेक्स्ट में क्या करना है, फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है, ठीक है, स्पेसिफाई फॉर्मूले दैट रिलेट वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करना है, कौन किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप देखोगे रिवेन्यू जो होती है, ठीक है, रिवेन्यू ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी डिपेंडेंसी किस किस पर है, ठीक है। तो रिवेन्यू डिपेंड्स ऑन सेल वॉल्यूम, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इसके अलावा और किस पर डिपेंड करती है, तो और प्राइस, यानी कि जो आइटम का प्राइस है उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा सेल्स वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम डिपेंड करता है अपना मार्केट साइज पर, ठीक है, मार्केट साइज कितना है, और मार्केट साइज किस पर डिपेंड करता है, मार्केट शेयर कितना है, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिलेट किससे करता है कौन सा वेरिएबल, ठीक है, कौन सा वेरिएबल किससे रिलेटेड है। फिर स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करेंगे, ठीक है, इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच वेरिएबल, सभी वेरिएबल्स के लिए क्या देंगे, प्रोबेबिलिटी देंगे, देन नंबर फोर, प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ठीक है, डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा एनालिसिस वाले ही कर सकते हैं, तो ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम चाहिए इसके लिए। तो उसमें क्या करेंगे हम, रैंडमली जो सिनारियो क्रिएट करे होंगे हमने, ठीक है, उनको रैंडमली सिलेक्ट करेगा वो, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट वन वैल्यू, जो भी हमने वैल्यूज दे रखी होंगी, ठीक है, वन वैल्यू फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से एक वैल्यू चूज करेगा ऑफ ईच वेरिएबल,
ईच वेरिएबल, तो एक तरह से वो सेट बनाएगा, ठीक है, अपने आप से, ठीक है, वेरिएबल, एंड उसको यूज करेगा, फिर यूजिस दीज वैल्यूज टू कैलकुलेट एनपीवी, देन कैलकुलेट होगी एनपीवी, ठीक है। तो ओके तो ये था आपका कौन सा, सिमुलेशन एनालिसिस, ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा आ सकता है, बाकी वैसे नहीं पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा इसका, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं आएगा, बस स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स आ सकते हैं एक बार को, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं आएगा बिल्कुल भी। ओके नाउ गाइस लेट स्टार्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक, ठीक है, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिसीजन ट्री फॉर सीक्वेंशियल एनालिसिस, ठीक है, क्या हो गया भाई इसमें, चल जाओ सीक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब तक हमने जितने भी करे हैं ना, जितने भी हमने यहाँ पर एनालिसिस करे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, केवल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो यही करे जा रहे थे, ठीक है, मतलब हमने अभी तक एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले एनालिसिस करे हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर प्रैक्टिकल में देखें, ठीक है, प्रैक्टिकल में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, मान लो इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, कोई एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, वो सीक्वेंस होता है उसके डिसीजंस का पूरा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक डिसीजन लेके हमने क्या करा छोड़ दिया और उससे ही सब कुछ हो जाएगा, मतलब एक डिसीजन इम्प्लीकेशंस, एक डिसीजन की इम्प्लीकेशन होती है कुछ, ठीक है, ऑन अदर डिसीजन, जो अदर डिसीजन है उनको अफेक्ट करता है कोई एक डिसीजन, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी होती है, मतलब एक निर्णय लेंगे तो उसके बाद आगे वाला निर्णय लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि एक डिसीजन जो होता है करंट में लिया गया, ठीक है, एक करंट में लिया गया डिसीजन मे अफेक्ट फ्यूचर डिसीजन, मे अफेक्ट फ्यूचर डिसीजन, ठीक है, किसी फ्यूचर डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है ये। अब देखो तो इसी डिसीजन को मतलब कैसे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे डिसीजंस को क्या कहते हैं हम, सीक्वेंशियल डिसीजंस, ठीक है, सीक्वेंशियल डिसीजंस। और इसी को एनालिसिस करने के लिए हम टेक्निक का यूज करेंगे डिसीजन ट्री का, ठीक है, देयरफॉर इसको सीक्वेंशियल डिसीजन एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंशियल डिसीजन होते हैं, जैसे कि एक से दूसरा जो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे डिसीजंस को सीक्वेंशियल डिसीजन एनालिसिस कहते हैं। तो इधर हम टेक्निकल सॉरी एक एनालिटिकल टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ठीक है, डिसीजन ट्री। अब ये डिसीजन ट्री ना आपने उसमें ही पढ़ा था स्टैट्स में अभी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप्स बताता हूँ पहले कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, देखो स्टेप नंबर वन, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने डिफाइन करनी है इन्वेस्टमेंट, डिफाइन इन्वेस्टमेंट, ठीक, इन्वेस्टमेंट डिफाइन करनी है। इन्वेस्टमेंट डिफाइन करने का मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दे रहा है हमें, ठीक है, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यानी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ठीक है, कौन फंडिंग दे रहा है। इसके अलावा जैसे स्पॉन्सर करने का काम, जैसे हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कई सारे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्पॉन्सर कर रहा हो, ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा उसको, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा और डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, और एनी अदर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है, आइडेंटिफाई डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स, डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। एग्जांपल के लिए, ठीक है, अगर मान लो एक कंपनी है, वो प्लांट लगाने का सोच रही है,
ऐसे ही अपन एक एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल भी, ठीक है। वो प्लांट लगाने का सोच रही है न्यू प्रोडक्ट के लिए, कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, ठीक है, तो उसके लिए प्लांट लगाने का सोच रही है। अब उसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो क्या करे लार्ज प्लांट लगा ले, ठीक है, या वो क्या करे स्मॉल प्लांट लगा ले, ठीक है। तो ये दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये क्या है एक तरह से ऑल्टरनेटिव्स है। तो इन्हीं को अपन देखने के लिए क्या करेंगे, डिसीजन ट्री एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इन्हीं को कंसिडर करने के लिए। देन स्टेप नंबर थ्री, ठीक है, इन स्टेप नंबर थ्री हम क्या बनाते हैं, सीधे डिसीजन ट्री बनाते हैं, ड्रॉ अ डिसीजन ट्री, ओके। चलिए एक न्यूमेरिकल की सहायता से करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन जो होते हैं लेंथी होते हैं काफ़ी, है ना। एग्जांपल है हमारे पास, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वाटर प्योरिटी नाम से एक कंपनी है, ठीक है, वाटर प्योरिटी लिमिटेड। ये कंपनी क्या कर रही है, इसने डेवलप करा एक तरीका, ठीक है, डेवलप साइंटिफिकली मोर इफेक्टिव वाटर फिल्टर, तो वाटर फिल्टर डेवलप करा इन्होंने, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव वाला। तो ये अब उससे जो प्रोडक्ट है उसका, उसको मार्केट में लाना चाह रही है, ठीक है। अब मार्केट में लाने से पहले उसके पास कई सारे डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक, कैसे कैसे डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके पास, जैसे कि डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स की बात करता हूँ मैं पहले, जैसे देखो वो प्रोडक्शन क्या करे लार्ज स्केल पे शुरू करे, पहला ऑल्टरनेटिव ये है, ठीक है, लार्ज स्केल यूज़ करे प्रोडक्शन के लिए, समझ गए, जिसकी कॉस्ट जो है, ठीक है, 50 मिलियन है, ठीक, यानी कि लार्ज स्केल का अगर प्लांट लगाएगी तो कॉस्ट कितनी है, 50 मिलियन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसके पास, वो स्मॉल प्लांट लगा ले, ठीक है, स्मॉल प्लांट की जो कॉस्ट है वो मात्र 10 मिलियन है, ठीक। उसके बाद जैसे स्मॉल अगर प्लांट लगाया तो देन क्या करे बाद में एक्सपेंड कर ले, देन एक्सपेंड, ठीक है, और एक्सपेंड कर लेगी कैपेसिटी को आफ्टर अ ईयर, देन एक्सपेंड कैपेसिटी आफ्टर अ ईयर, और जिसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब एक्सपेंड करने की कॉस्ट जो है, ठीक है, वो है 45 मिलियन, ठीक है, एक्सपेंड करने की कॉस्ट कितनी है, 45 मिलियन है। अब देखो पहली बात, एक्सपेंड कब करेगा वो, एक्सपेंड केवल उस केस में करेगा इफ डिमांड इज हाई, अगर मान लो डिमांड हाई रही फर्स्ट ईयर में तो एक्सपेंड करेगा केवल, ठीक है, यानी कंडीशन है एक्सपेंड करने की, समझ गए। अब एक कंडीशन और दे रखी है कि डिमांड जो है, इनिशियल डिमांड जो है, ठीक है, इनिशियल डिमांड हाई भी हो सकती है, ठीक है, लो भी हो सकती है, और इसके जो चांसेस है 50-50% है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी सा आएगा, ठीक है, मैं तो सीधे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इफ मान लो डिमांड हाई हुई, यानी कि इनिशियल डिमांड अगर हाई हुई एक ईयर में, इफ इनिशियल, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन से, ठीक है, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इफ इनिशियल डिमांड इज हाई इन द ईयर वन, तो ईयर वन में अगर इनिशियल डिमांड हाई होगी, देन देयर इज 70% चांसेस दैट इट विल हाई इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो, ठीक है, मतलब आने वाले ईयर्स में भी क्या होगी, हाई ही रहेगी, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो,
समझ गए, ये है। और बाकी जो बच गया यानी कि जो 30% बच गया, 30% के चांसेस क्या कह रहे हैं कि लो भी हो सकती है, ठीक है, यानी अगर फर्स्ट ईयर में हाई होगी तब भी लो हो सकती है, 30% चांसेस हैं, समझ गए। ओके अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कैश फ्लोज, कैश फ्लोज कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो दो तरह के प्लांट्स हैं अपने, ठीक है, एक लार्ज प्लांट है और एक ऑप्शन हमारे पास ऑल्टरनेटिव स्मॉल प्लांट है, ठीक, लार्ज प्लांट और स्मॉल प्लांट। तो लार्ज प्लांट के अंदर देखो, लार्ज प्लांट के अंदर अगर हाई डिमांड रही, ठीक है, अगर हाई डिमांड रही, अगर डिमांड क्या रही, हाई रही, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना 10 मिलियन आ रहा है, 10 मिलियन ईयर वन में कैश फ्लो मिलेगा, ठीक है, ओके। और अगर मतलब जो इसका 70% चांस है कि आगे भी क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो कितना मिलेगा, 16 मिलियन मिलेगा परपैचुटी में, मतलब 16 मिलियन मिलता रहेगा, ठीक है, 16 मिलियन पर पैचुटी इफ फर्दर हाई रहती है डिमांड, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा अगर डिमांड लो रही, ठीक है, अगर डिमांड लो रही तो कितना मिलेगा, 7 मिलियन, ठीक है, और देन 10% मतलब 10 मिलियन फर्दर, ठीक है, पर पैचुटी में। ये तो हमने किसकी बात कर ली, लार्ज प्लांट की, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं स्मॉल प्लांट की। तो स्मॉल प्लांट क्या है, स्मॉल प्लांट कह रहा है ईयर वन में कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 4 मिलियन, ठीक है, अगर डिमांड हाई रही, इफ हाई डिमांड, ठीक है, हाई डिमांड रहेगी तो इतना जनरेट होगा, समझ गए, ओके। और इसका मतलब यहाँ पे भी 70-30 वाला रेशियो लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर लो डिमांड रही, ठीक है, अगर इनिशियल डिमांड क्या रही, लो रही, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर ये 2 मिलियन ही जनरेट कर पाएगा, ठीक है। अगर इनिशियल डिमांड लो रही तो 2 मिलियन जनरेट होगा, और सब्सिक्वेंट ईयर में भी क्या है, 2 मिलियन ही जनरेट होता रहेगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल प्लांट कह रहा है कि 4 मिलियन मिलेंगे अगर डिमांड हाई रही, ठीक है, और 2 मिलियन मिलेंगे अगर डिमांड लो रही, पहली बात। अब देखो, अब इसके अंदर कंडीशन क्या थी कि अगर डिमांड हाई रहेगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन वी विल एक्सपेंड, तब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब हाई रहने के बाद भी एक्सपेंड करने पर दो चांसेस हैं, ठीक है, अगर मान लो इनिशियल डिमांड हाई थी तो कंटिन्यूस डिमांड हाई रहेगी, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी, तो इससे कह रहा है कि हमें 20 मिलियन मिलेगा, ठीक है, अगर हम क्या कर लें, इंक्रीज कर लें प्रोडक्शन कैपेसिटी को पर पैचुटी में, ठीक है, अगर डिमांड हाई रही फर्दर तब, ठीक है, यानी 70% वाला चांस, और अगर लो रही, ठीक है, अगर डिमांड लो रही तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 8 मिलियन पर पैचुटी में, ठीक है। इसको ना आप एक बार ही ना दो बार देखना, बाकी मैं क्वेश्चन ना PDF के फॉर्म में भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो उससे एक बारी क्वेश्चन पढ़ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर लो रही तो कितना, 8 मिलियन। बाकी मैंने कोशिश करी है करक्स निकाल के मैं आपको समझा पाया हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और आई होप सो समझ गए होगे। दोबारा देखना एक बारी, पीछे करके बैक करके देख लेना। तो अगर इनिशियल डिमांड लो रही, ठीक है, इनिशियल डिमांड लो रही तो हमें क्या मिलता रहेगा, देखो इनिशियल डिमांड लो है तो फर्स्ट ईयर में भी इतना ही मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी इतना, देन 2 मिलियन ही मिलता रहेगा परपैचुटी में, समझ गए, 2 मिलियन परपैचुटी में, समझ गए। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने कर दिया छोटा, ठीक है, हाँ। तो ये वाटर प्योरीफाई लिमिटेड कंपनी है, उसने एक तरीका ढूंढा है, ठीक है, वाटर को फिल्टर करने का। अब उसके पास दो अल्टरनेटिव है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा ले या स्मॉल प्लांट लगा ले, ठीक है। लार्ज प्लांट लगाएगी तो 50 मिलियन कॉस्ट आएगी, छोटा लगाएगी तो 10 मिलियन कॉस्ट आएगी। अब उसके पास कंडीशन क्या है कि अगर डिमांड हाई रही स्टार्टिंग में, ठीक है, जिसके 50-50 चांसेस है, मतलब डिमांड हाई रहने के भी और लो रहने के भी 50-50 चांसेस है, ठीक है, तो अगर हाई रही तो क्या करेगी, स्मॉल प्लांट को एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने की कॉस्ट कितनी है, 45 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कैश फ्लो कैसे जनरेट होगा, तो कैश फ्लो लार्ज स्केल वाला प्लांट जो है जनरेट करेगा, अगर हाई रही डिमांड तो जनरेट करेगा 10 मिलियन फर्स्ट ईयर में और फिर सेकंड 16 मिलियन परपैचुटी में, मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है, और अगर डिमांड लो रही जिसके चांसेस 50% है तो 7 मिलियन और परपैचुटी में 10 मिलियन
ओके, अब स्मॉल प्लांट के बारे में क्या कहा गया है, ये मैं समरी दे रहा हूँ, ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। देखो, स्मॉल प्लांट के बारे में कह रहा है कि आप देखो, अगर डिमांड हाई रही, ठीक है, दो केसेस होंगे, पहली डिमांड अगर हाई रही तो 4 मिलियन मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, ओके, 4 मिलियन मिलेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पर भी हाई होने के चांसेस और लो होने के चांसेस बता रखे हैं, 70 और 30%, ठीक है। तो अगर हाई रही तो 20 मिलियन परपेचुटी में मिलता रहेगा, और अगर लो चली गई तो 8 मिलियन मिलेगा। और लो के केस में, अगर डिमांड मान लो लो ही रही, इनिशियल डिमांड जो हमारी फर्स्ट ईयर की डिमांड है वो लो रही, तो फर्स्ट ईयर में भी 2 मिलियन और सब्सिक्वेंट ईयर में भी 2 मिलियन परपेचुटी में मिलता रहेगा अपने को, ठीक है, समझ गए। अब आपसे कह रहा है कि डिसीजन ट्री की सहायता से आप बताइए सॉल्व करके इसको, ठीक है, डिसीजन ट्री बनाओ और तब बताओ, ठीक है, कि किसको चुनना चाहिए, मतलब स्मॉल प्लांट लगाना चाहिए या लार्ज प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है। तो आओ डिसीजन ट्री बनाते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो बॉक्स होंगे वो डिसीजन है, ठीक है, और राउंड शेप में जो भी दिखाएंगे वो हमारा क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो डिसीजन नंबर फर्स्ट, अब उसके पास दो ऑप्शन है, इधर लार्ज प्लांट जिसकी कॉस्ट कितनी है, 50 मिलियन है, ठीक है, या फिर स्मॉल प्लांट जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10 मिलियन है, ठीक है। फिर उसके बाद दो है, यहाँ से दो इवेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारा राउंड क्या है, इवेंट है, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं ना जैसे वैसे ही। अब इसके बाद भी दो हो सकता है ऑप्शन, या तो डिमांड हाई चली जाएगी या लो हो जाएगी, ठीक है। अगर डिमांड मान लो हाई रही, ठीक है, इफ़ डिमांड हाई, तो हाई डिमांड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, तो कैश फ्लो कितना जनरेट होगा, 10 मिलियन, ठीक है, अगर डिमांड हाई रही, इनिशियल कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और अगर लो रही डिमांड, ठीक है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50 बोली थी, तो इसका मतलब लो रहने पर कितना जनरेट हो रहा था, 7 मिलियन, ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा था ना अभी, 7 मिलियन, देखो ये रहा, देखो ये रहा लार्ज प्लांट 7 मिलियन, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर डिमांड हाई रहती है, फिर उसके बाद भी फर्दर क्या है, चांसेस हैं कि 70% डिमांड हाई ही चली जाए आगे की भी, ठीक है, तो दैट मीन्स हम पहुंच गए नेक्स्ट इवेंट पे, नेक्स्ट इवेंट पहुंच गए, ठीक है, और नेक्स्ट इवेंट से भी दो चांसेस हैं, ठीक है, दो चांसेस हैं यहाँ पर हमारे पास, समझे। पहला चांस क्या है कि डिमांड फर्दर हाई रहेगी, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बताया 0.7, 70%, ठीक है, 70% चांसेस है कि सब्सिक्वेंट ईयर में भी क्या रहेगी, हाई रहेगी डिमांड, तो सब अगर हाई रही तो कितना, 16 मिलियन परपेचुटी में जनरेट होता रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो नहीं रही हाई, जिसके चांसेस कितने हैं, 0.3, तो यानी अगर लो रही जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 है, तो कितना जनरेट होगा, 10 मिलियन, समझ गए। ये हमने लार्ज प्लांट का बता दिया, ओके। अगर हम ऐसे ही देखेंगे स्मॉल स्मॉल प्लांट का क्या ऑप्शन था, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास दो है, दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे भी। अगर मान लो हाई रही डिमांड, ठीक है, अगर डिमांड क्या रही, हाई रही, हाई जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 अगेन, तो कितना जनरेट होगा, 4 मिलियन। और अगर लो रही जिसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 0.5, तो कितना जनरेट होगा, 2 मिलियन मात्र, ठीक है। और फिर उसके पास दो ऑप्शन है, मतलब हाई रहेगी तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड, अगर हाई हुई तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करने का एक इवेंट हो गया, ठीक है, अब एक्सपेंड करने के इवेंट पर भी दो चीज़ें हो सकती है, अब यहाँ पर डिसीजन लेना है उसे दूसरा, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे एक बॉक्स ऐसे, डिसीजन नंबर टू, वेदर टू एक्सपेंड और नॉट, ठीक है, वेदर टू एक्सपेंड और नॉट। तो देखो, अब यहाँ पर अगर मान लो डिमांड हाई रही तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7 है हाई रहने की, मतलब कंटिन्यूसली, ठीक है, तो जनरेट हो रहा है 20 मिलियन। और अगर लो रही तो कितना, 0.3, तो कितना जनरेट होगा, 8 मिलियन ओनली। और अगर मान लो लो ही रही, इनिशियल जो फर्स्ट ईयर की डिमांड है हमारी वो लो रही, तो यहाँ पर यही कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, यही परपेचुटी में चला जाएगा, तो यानी कंटिन्यूसली हमें क्या मिलता रहेगा, इसी की प्रोबेबिलिटी 1 है पूरी, ठीक है, और कितना मिलता रहेगा, 2 मिलियन, समझ गए। तो ये बन गया अपना डिसीजन ट्री, समझ गए, ये डिसीजन ट्री बन गया, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया डिसीजन ट्री। एक बारी मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये बन गया अपना डिसीजन ट्री, समझ गए गाइस। तो यहाँ पर कितने
एक ये डिसीजन है, दूसरा ये डिसीजन है, बाकी इवेंट्स हैं ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बारी क्या चीज़ क्या दर्शा रही है ठीक है। तो जो हमारे बॉक्स हैं ठीक है, डिसीजन डिसीजन पॉइंट्स सोन बाय स्क्वायर्स ठीक है, चांसेस इवेंट्स सोन बाय सर्कल, चांसेस क्या दिखा रही है, सर्कल दिखा रहे हैं ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि क्या लगाना चाहिए ठीक है। देखो हमें यहाँ पर ना क्या करना पड़ता है, जहाँ पे डिसीजन दूसरा है ठीक है, जहाँ पे दूसरा डिसीजन है ये वाला, ये दूसरा डिसीजन है, तो यहाँ से ना हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है ठीक है। तो यानी यहाँ पर कब पहुँचेंगे हम, जब इनिशियल डिमांड क्या होगी हमारी, हाई होगी ठीक है। तो इसी मेथड को बैकवर्ड इंडिकेशन मेथड भी कहते हैं ठीक है, यही बैकवर्ड इंडिकेशन है। बैकवर्ड इंडिकेशन मतलब जब, सॉरी बैकवर्ड इंडिकेशन नहीं, बैकवर्ड इंडक्शन ठीक है, बैकवर्ड इंडक्शन इसे ही कहते हैं ओके। या फिर इसको एक और नाम कहते हैं रोलिंग बैक ठीक है। और ये कब करना पड़ता है, ये कब करना पड़ता है गाइस, जब मतलब जैसे डिसीजन टू पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले जाना पड़ेगा ठीक है। उससे पहले हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तो उससे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे उससे पहले ठीक है, एक्सपेंड नहीं करें, एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास देखो एक्सपेंड करने पर कितना मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्सपेंड करने पर जो हमारा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो है ठीक है, एक्सपेंड करने पर इफ एक्सपेंड, इफ एक्सपेंड्स, अगर मान लो एक्सपेंड करें तो हमारा देखो एक्सपेंड करने पर हमारा जो कैश फ्लो होगा ठीक है, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना बढ़ेगा ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, इसीलिए इसको बैकवर्ड क्या कहते हैं, बैकवर्ड इंडक्शन भी कहते हैं ठीक है। तो रिवर्स करते हुए चलेंगे यहाँ से, तो ई एन सी एफ कितना बढ़ा हमारा ठीक है, कितना है, तो देखो 0.7% चांसेस है। मैंने बताया था ई एन सी एफ कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देते हैं ठीक है इवेंट को। तो देखो यहाँ पर 20 ये मिलेगा ठीक है, 20 मिलियन के कितने 0.7 प्लस में 0.3 इंटू में 8, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई एक तरह से है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 × 2 = 14 और 3 × 8 = 24, सॉरी 20 × 0.7 तो 14 और 24 सही है, तो 16.4 मिलियन ठीक है, 16.4 मिलियन ओके। अब अगर मान लो डिस्काउंट रेट है ठीक है, डिस्काउंट रेट हमारा कितना है, 20% है लेट सपोज ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं एक बारी ENPV, देखो तो 16.4 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस में 45 ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 मिलियन ठीक है। ये कब है, मतलब ये जो हमारी एनपीवी आई है ठीक है, ये जो ENPV आई है हमारी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तब 37 मिलियन है ठीक है, यानी जब हमने स्मॉल प्लांट चुना होगा तभी तो एक्सपेंड करेंगे। अगर मान लो इफ डिसाइड्स, अगर एक्सपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, इफ डिसाइड्स मतलब अगर मान लो इसने स्मॉल प्लांट लगाया और इसने एक्सपेंड नहीं करा ठीक है, इफ डिसाइड्स नॉट टू एक्सपेंड ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो जो ENPV होगी, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी एक ही है, मतलब 2 ही मिलियन मिलेगा कंटिन्यूसली ठीक है, तो यानी कि 2 मिलियन परपेचुटी में मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 0.2 माइनस में इनिशियल क्या है हमारा 10 मिलियन ठीक है, इनिशियल कॉस्ट, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गई, मतलब एक्सपेंड ना करने का तो कोई फायदा नहीं है, एनपीवी क्या हो गई, 0 हो गई वहाँ पर ठीक है, समझ गए। अगर एक्सपेंड करते हैं तो अब हम पीछे जाते हैं, और तो इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, देखो एक्सपेंड करने के केस में इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, जैसे एक्सपेंड करने वाले केस में भी जो प्लांट लग रहा है उसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है ठीक है, इनिशियल इफ एक्सपेंड्स
इफ एक्सपेंस इनिशियल कॉस्ट कितनी थी उस केस में, 10 मिलियन, ठीक है। अगर एक्सपेंड करते तो इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 10 मिलियन है। अब यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो 2 है यहाँ पर, ठीक है। दो तरह से, जब हाई डिमांड होगी, ठीक है, हाई डिमांड होगी, है ना, तो हाई डिमांड होगी तो देखो 4 मिलियन मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया एक्सपेंशन में कितना मिल रहा है एनपीवी, ये रहा, ठीक है, 37 है ना, प्लस में 37 और, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 41, ठीक है, 41 मिलियन मिलेगा अगर हाई गई डिमांड, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद। और अगर मान लो रही, ठीक है, इफ लो, तब 2 + 10, ठीक है, तो कितना 12 मिलियन केवल, ठीक है, 12 मिलियन, ओके। तो अगर हम आज की डेट में पूरे स्मॉल वाले का ENCF निकालें, ठीक है, ENCF टुडे, ठीक है, स्मॉल वाले का, तो 0.5 चांसेस है किसके, इतनी रहेगी हमारी, 0.5 चांसेस है, 50-50 है ना दोनों केस के, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हम 41 मिलियन ले पाएंगे, ठीक है, प्लस में 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हम कितना 12 मिलियन ले पाएंगे अगर एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 41 पंजे, ठीक है, 41 इंटू में 0.5, 20.5, ठीक है, और 12 पंजे 60, तो 20 और 12 26, ठीक है, तो 26.5 मिलियन। ये हमारी बैकवर्ड इंडक्शन इसीलिए कहते हैं इसे, हमने मतलब पहले आगे का करा कैलकुलेट, फिर हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये पूरा कैश फ्लो आ गया जब हमने स्मॉल प्लांट चूज करा है, ठीक है। अब यहाँ पर ENPV निकालेंगे स्मॉल प्लांट के लिए, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 26.5 डिवाइडेड बाय 1.2 यानी 1+k, ठीक है, माइनस में 10 इनिशियल कॉस्ट, तो ये आ रही है आपकी 12.08 मिलियन, ठीक। अब देखो, अब हमने ऊपर देखा था, अच्छा अगर ये तो हमने देख लिया स्मॉल प्लांट का, ठीक है, अगर लार्ज प्लांट ले, इफ लार्ज, ठीक है, अगर लार्ज प्लांट चूज करते हैं तो ENCF इन 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो मिल सकता है, ठीक है, देखो 70% चांसेस है, ठीक है, ठीक है, तो ENCF ऑफ ईयर 1, ठीक है, इफ लार्ज प्लांट, अगर लार्ज प्लांट लगाते हैं तो, ठीक है, तो 0.7% 0.7% मतलब प्रोबेबिलिटी है 16 मिलेगा, ठीक है, 0.3 प्रोबेबिलिटी है 10 मिलियन मिलेगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे 0.2 से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 इंटू, ये आ गया आपका 71 मिलियन, ठीक, ओके। ये NPV है अपना, ENPV बोला था, ENPV, सॉरी, ओके। तो ये कब है, हाई इनिशियल डिमांड है ना, हाई इनिशियल डिमांड के केस में है इतना इनिशियल डिमांड। इफ इनिशियल डिमांड इज लो, ठीक है, तो क्या होगा एनपीवी, मतलब वही ENPV, ठीक है, तो ENPV बराबर हो जाएगा आपका 1.0 इंटू में 7 मिलियन, ठीक है, 1.0 प्रोबेबिलिटी के साथ 7 मिलियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2 डिस्काउंट रेट, और ये आ जाएगा आपका बराबर में 0.2 से डिवाइड करेंगे 35 मिलियन, ठीक है। तो लार्ज प्लांट और स्मॉल प्लांट दोनों की हमने क्या कैलकुलेट कर ली, ENPV कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको एक बारी सम करके लिखता हूँ, देखो, तो लार्ज प्लांट के केस में
नेट कैश फ्लो जो होगा, ठीक है, नेट कैश फ्लो इन केस ऑफ लार्ज प्लांट, ठीक है। तो दो केस हैं, हाई डिमांड वाला केस है एक तो, और एक लो डिमांड का केस है। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50-50% है। हाई डिमांड में मैंने बताया आपको, ठीक है, 10%, मतलब 10 फर्स्ट ईयर में, फिर 71 सब्सिक्वेंट, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर में, तो टोटल 81 मिलियन, ठीक है। और इसमें 7 प्लस में 35, ओके, यहाँ पर यानी 42। अब ENPV निकालेंगे, ठीक है, या पहले ENCF निकालते हैं। ENCF तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू में 81 प्लस में 0.5 इंटू में 42, तो ये आ जाएगा आपका 81 इंटू में 0.5, 40.5 प्लस में 21, तो ये आ रहा है आपका 61.5 मिलियन, ठीक है। ये ENCF हो गया। ऐसे ENPV निकाले अगर लार्ज प्लांट की, ठीक है, तो 61.5 वन प्लस के यानी कि 1.2 माइनस में 50, तो ये आ रहा है आपका 1.25 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन करें अगर, ठीक है, इसकी कितनी आ रही है, 1.25 मिलियन, ठीक है, 1.25 मिलियन आ रही है, और स्मॉल प्लांट की कितनी आ रही है, स्मॉल प्लांट की कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो स्मॉल प्लांट की कितनी आ रही है, 12.08, तो दैट मीन्स स्मॉल प्लांट लगाने में फ़ायदा है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ENPV इज हायर वैन स्मॉल प्लांट इज बिल्ड एंड एक्सपेंडेड, मतलब छोटा वाला लगाओ और उसको एक्सपेंड कर लेना एक साल के बाद, वो ज़्यादा बेटर है ना, इफ इनिशियल, रुक जाओ, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, इफ इनिशियल डिमांड इज हाई, इनिशियल डिमांड इज हाई, ठीक है, ओके। तो दिस वॉज डिसीजन ट्री एनालिसिस, ठीक है। अब इसको मैं सम अप करके बताता हूँ एक बार, रुको, देखो कहाँ से शुरू करा है, यहाँ से। तो अगर वो एक्सपेंड करता है तो हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मतलब उसके पास यहाँ पर डिसीजन ट्री में देखेंगे तो एक तो ये रहा, ठीक है, इन दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 × 2 = 14 और 8 × 3 = 24, तो 14 और 24 कितना हो गया, ठीक है, 14 और 24 = 16.4, तो जॉइंट आ गए इनकी 16.4, ठीक है। अब पीछे चलेंगे, ओके, तो 16.4 का क्या निकाल दिया, ENPV, तो किससे डिवाइड कर दिया, 0.2, है ना, और माइनस कर दिया इसमें से 45, ठीक है। क्यों 45 की माइनस किया, 45 की माइनस किया, देखो 45 माइनस इसलिए करा, यहाँ पर ऊपर बताया था आपको, यहाँ कहाँ गया, अभी दिखाता हूँ, ये रही, ठीक है, 45 इसलिए माइनस करा, ये रही हमारी क्या, ये एक्सपेंडिंग कॉस्ट, एक्सपेंडिंग कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि अगर एक्सपेंड करेंगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वहाँ पर NPV जब कैलकुलेट करा हमने, ठीक है, एंड ऑफ ईयर वन, तो यहाँ पर 0.2 से डिवाइड कर दिया डिस्काउंट, ठीक है, ओके, देन क्या कर दिया, माइनस कर दिया 45, तो 37 मिलियन, ठीक है, ये हमारा ENPV आ गया, ठीक है, अगर हम एक्सपेंड करते हैं तब। अब अगर नॉट एक्सपेंड करें, एक्सपेंड नहीं करें तो क्या होगा, तो हम 2 मिलियन पे सिमटे रहेंगे ये रहा, ठीक है, इसी पे सिमटे रहेंगे, तो 2 मिलियन की परपैचुटी को हम ENPV कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 मिलियन मिलता रहेगा परपैचुटी में, 0.2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक्सपेंड करने पर 10 मिलियन की कॉस्ट थी, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 10 मिलियन, 45 थी एक्सपेंड करने की कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारे को अगर डिमांड हाई रहती है इसमें, इनिशियल कैश फ्लो देखो, डिसीजन ट्री पे आओ दोबारा से, ये हमें मिलेगा 4, ठीक है, और 4 और 16, ठीक है, ओके। अगर मान लो डिमांड हाई रहती है, अरे यार
हैंग मत हो भाई। देखो चार इधर और उन दोनों का कंबाइंड कितना था, 37 निकाला था ना ये रहा, ठीक है। ई एन पी भी 37 था और ये चार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ई एन सी एफ टोटल हो गया 41, ठीक है। और इधर क्या है 2 + 10 = 12 मिलियन, तो आज की डेट में 50-50 चांसेस है दोनों के। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% थी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% थी, ठीक है। तो फिर क्या अगर हमने दोनों का ई एन सी एफ निकाल लिया तो 26.5 आ गया। अब 26.5 को दोबारा से हम क्या करेंगे, ई एन पी भी निकालेंगे, ठीक है। तो ई एन पी भी निकाली हमने यहाँ पर तो 12.08 आ गई, ऐसे ही निकाली हमने लार्ज प्लांट की, ठीक है। फिर देन क्या 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 किया, दोनों को कंपेयर किया तो हमने पाया कि ई एन पी भी जो है लार्ज प्लांट की कम है, ई एन पी भी किसकी जा रहा है स्मॉल की ज़्यादा है। तो दैट्स वाई वी आर सजेस्टिंग दैट कंपनी शुड इंस्टॉल स्मॉल प्लांट फर्स्ट देन एक्सपेंड, ठीक है, समझ गए। दिस वॉज ऑल अबाउट डिसीजन ट्री एनालिसिस, तो रिपीट करके देख लेना एक दो बारी, ठीक है। और मैं नोट्स भेज दूंगा तो नोट्स से समझना आ जाएगा समझ, और बाकी क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस इसके एक बारी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा गाइस यूनिट 2 हो जाता है पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। चलिए।